रात को नौकरी पे चला रही है, काम बताऊंगा वहाँ चला रही हो जा। उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ, मैं करूंगा घर पे, मैं आपके रेंट दे दूंगा, मंजूर है। बिल्डर अभी हो गया दुनिया 160। हाँ तो ठीक है, अब अपने घर में से किसी औरत को करवा बता। क्या क्या ड्रामा, क्या ड्रामा तू सिखा रहा है बे, तू सिखा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोबिन के प्रैंक चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है, इन बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है भाई, मुझे इनके बारे में ना इनके आस पड़ोस के लोगों ने बताया, इन्होंने उनके थ्रू हमें अप्रोच किया, मैसेज कर रखे थे इस लड़की ने बहुत ज़्यादा, इस लड़के ने भी। ठीक है, ये जो रो रहे हैं, इनकी जो परेशानी है वो ये है कि ये दोनों का कोई नहीं है। कब डेथ हुई तुम्हारी मम्मा की? अभी 4 महीने पहले ही हमारी मम्मा की डेथ हो गई है। 4 महीने पहले? माफ़ करना, मैं तुमसे ये सब पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे जो ये मदद करनी है ना, उसके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और पापा का कब हुआ था? पापा भी भैया कुछ टाइम पहले ही अभी गुजर गए थे। अच्छा भाई, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें परेशान कौन कर रहा है? तुम कह रहे थे वो उस इनके जो मकान मालिक है, गाइस मैं आपको बता दूं, जो मकान मालिक का लड़का है, सही है? हाँ, ऐसी है। हाँ, वो लड़का इनसे आके परेशानी में इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। ये बच्चों का तुम्हारे रिश्तेदार विश्तेदार नहीं है कोई? नहीं, नहीं भी है। कोई नहीं है? नहीं। कोई भी रिश्तेदार नहीं है? कोई नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है। अच्छा, तो बिल्कुल अकेले हो तुम? हाँ। तो तुमने कहीं काम वाम करते हो तुम कहीं कुछ? अभी कहीं पे भी जॉब नहीं है, अभी हम लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, और यही इसी चीज़ को लेके हमें वो परेशान करता है कि या तो किराया दे या तो फिर मैं उसके साथ एक रात के लिए जाऊँ। वो बहुत परेशान करता है। वो तुम्हें बोलता है? हाँ, ये सब वो मुझे बोलता है, वो मेरे भाई को बोलता है कि एक बार बात कर ले उसके लिए। अच्छा, मुझे रोज कहता है वो ऐसे ही। अच्छा, रोज परेशान। तू कह रहा था कि वो भैया घर में आके दो बदतमीजी करके गया, मार के गया मुझे डेली रो घर पे आके। अच्छा, ये सब भी है तुम्हारे साथ का बदतमीजी करी? तुम कह रहे जीने में पकड़ लिया उसने। मैं कहीं भी जाते हूँ ऊपर या नीचे, अगर वो मेरे को देख लेता है तो मेरे को वही पकड़ लेता है, मेरे को जबरदस्ती करने लगता है, ये सब हरकतें करता। कहते हैं या तो किराया दो या तो फिर मेरे साथ चलो। अच्छा, अब हमेशा छेड़ता है। तो तुम उस घर में कब से रह रहे थे? तुम बता रहे थे मम्मी पापा ने ले रखा था वो बहुत पहले से। हाँ भैया, हो गए कम से कम 8-9 साल हो गए। 8-9 साल के बाद में भी? हाँ। ये काम कर रहा? तो तुमने मकान मालिक को नहीं बताया, उसके बाप को नहीं बताया? भैया बताया वो, लेकिन वो लड़का ना वो हमेशा धमकी दे के जाता है कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। भाई तू तो भाई है, एक भाई का फर्ज क्या होता, अपनी बहन की रक्षा करना, मारा पीटा कुछ भी करा, लेकिन बहन के ऊपर आँच मत आने दे। भैया मैं रोकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं उतना करता हूँ, फिर भी वो मुझे हमें ब्लैकमेल करता है डेली, यही बात आके बोलता है कि किराया दे दे, किराया नहीं है तो अपनी बहन को भेज दे एक रात के लिए। बताओ भैया मैं क्या करूँ, मुझसे जितना बोलता है। हाँ, अब तुम एक काम करो, अब उसे कैसे बुलाया जा सके ये बताओ, ये लड़की बुलाएगी उसे? हाँ, मैं बुला लूँगी। ये बुलवा देगी? अब तुम एक काम करो, उसे मैसेज करो और कॉल कर पर बोलो कि लोकेशन भेज दिए, यहाँ आ जाओ, ये आप अपना रेंट भी ले जाओ, मेरी जॉब लग गई है, अपना रेंट भी ले जाओ और हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। बोलो उसे फ़ोन पे, मैसेज कर दे रही हूँ भैया, वो देख लेगा। लोकेशन भेजो पहले, लोकेशन। हाँ। भेज दी? हाँ भेज दी। अब इस पर कॉल लगाओ, यही नंबर है? हाँ। बात करो इससे। हेलो, हाँ मैं यहाँ पे, मैंने आपको लोकेशन भेज दिया, आप आ जाओ और हम लोग चलते हैं कॉफ़ी पे, और क्या नाम है अपना रेंट भी ले लेना, मेरी जॉब लग गई है। ठीक है, ऐसा है वो कुछ भी करे, वो तुम्हें परेशान करे, तुम्हें मारे पीटे, बस तुम कोशिश करना हमें उसका सबूत मिल जाए, कैमरे में जैसे ही कैच होगा कि तुम्हारे साथ वो ये हरकतें कर रहा है, और जैसे वो एक्सेप्ट करेगा फिर हम आ जाएंगे, फिर हम देख लेंगे उसे। समझ गए? ठीक है, इसे तुम कहीं को छुपा लो। छोटे लाया पैसे,
चल खड़ा हो ना, बैठने देना। ये क्यों कर रहा है? हां पैसे नहीं लाए क्या? हम पैसे दे देंगे आपको जब हमारी जॉब लग जाएगी। तो क्यों आप ऐसे करते हो? क्यों कर रहे भैया? लाया नहीं लाया, बुलाया नहीं। हमारी जॉब लग जाएगी तो हम आपको पैसे दे देंगे। लाया नहीं लाया पैसे? जब हमारी जॉब लग जाएगी तो हम दे देंगे ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हारी जॉब तो लगेगी नहीं तो तुम मेरा पैसा नहीं दोगे? लग जाएगी भैया, लग जाएगी। हमारी लगने वाली है। बहन से बात कर रहा हूँ ना, हमारी जॉब लगने वाली है। क्यों कर रहे भैया? क्यों कर रहे बहन है मेरी भैया? अरे मारूंगा बहुत, चुप हो। हाँ बताओ कब लगेगी तुम्हारी जॉब? हमारी जॉब बस लगने वाली है, बात हो गई है। जब ज्वाइन हो जाएंगे तो हम आपके पैसे दे देंगे ना। अरे तो मत लगे ना, जॉब क्या हो गया फिर? मत लगा तो जॉब। भैया हम दे देंगे आपके पैसे। भैया भैया प्लीज भैया, हम दे देंगे आपके पैसे भैया। हैं? दे देंगे आपके पैसे प्लीज। अरे वाह, नया ब्रेसलेट भैया। छेड़ा छाड़ी थोड़ी कर रहा हूँ मैं, कुछ बदतमीजी कर रहा हूँ मैं? तो इसका ब्रेसलेट देख रहा हूँ, ये ब्रेसलेट आपके भैया। फोन भी नया ले लिया भैया। दे देंगे हम आपके पैसे। दे देगा कल लगा। क्या भैया दे देंगे ना? क्यों छेड़ रहे हो आप? बहन है मेरी वो। हाँ तो मुझे भी पता तेरी बहन है, लेकिन पैसा दोनों से देंगे ना भैया। तो हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं, हम दे देंगे ना पैसे। मुझे 3 साल से नहीं कर रहे हो, सॉरी 3 महीने से। पैसा तो मैं मांग ही नहीं रहा, मुद्दे की बात ये है सारी। हम आपको पैसे दे देंगे ना भैया, क्यों? तुझे भी पता, इससे भी पता है मैं क्या मांग रहा हूँ। तो जो चीज पॉसिबल नहीं है क्यों बोल रहे हो आप? हाथ छोड़ो मेरा। उधर कहाँ जा रही है बार बार? इधर बैठ मेरे पास बैठ, इधर आ बैठ। उधर कहाँ जा रही है? और तू साले फिर खड़ा हो गया, बैठ रहा नीचे। भैया दे देंगे हम आपके पैसे भैया। हैं? मत करो दे देंगे प्लीज। अरे तू छोड़ ना, हमारी प्रॉब्लम्स भी तो समझो। हमारी मम्मी नहीं है, दे देंगे पैसे भैया। हम दे देंगे ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं आपको। क्या कौन नहीं है? तुम्हारी मम्मी नहीं है? हाँ आपको भी तो पता है, 8-9 साल हो गए आपके यहाँ रहते रहते। साल से तेरी माँ भी तो पैसा खा के गई है। पहले माँ बाप पैसा खा रहे थे मेरा, अब भाई बहन पैसा खा रहे हैं मेरा। मत दे पैसा, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे प्लीज। हमारी बात तो समझो, हम सारे पैसे लौटा देंगे यार। तेरे को नौकरी लगनी है? तेरे को तो रात को नौकरी पे चला रही है, काम बताऊंगा वहाँ चला रही हो जा। नहीं नाइट की ड्यूटी नहीं करनी है उसको। मैं लगवा दूंगा तेरी रात की नौकरी, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूँ ना उसका ध्यान लूंगा, जो उसका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। मैं रुक जाया करूंगा घर पे, मैं आपके रेंट दे दूंगा, मंजूर है? क्यों कर रहे भैया ऐसे? क्यों कर रहे भैया? हम आपके दे देंगे ना रेंट। सॉरी भैया साले, मेरे पैसे नहीं दे रहे। ऊपर से दे देंगे भैया, आपकी रेंट दे देंगे। ऊपर से तुम्हारी नौकरी लगवा रहा हूँ, उसमें भी तुम्हारे को दिक्कत। तो उसको नाइट ड्यूटी नहीं करनी है ना? हाँ तो एक दिन के 4,000 रुपए मिल रहे। नहीं करना उसको, नहीं करना। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो जब मैं मना कर रही हूँ? मत करो भैया, हम दे देंगे आपके रेंट दे देंगे। हम तुम्हारे पैसे देने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। दे देंगे भैया आपके रेंट दे देंगे। साले 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 है बिल्डर है बे, है बिल्डर। ओए क्या हो गया? ओए मार क्यों रहा है बे? मार क्यों रहा? क्या कर रहा तू बच्चों के साथ है बे? क्या कर रहा तू बच्चों के साथ? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बच्चों के साथ है बे? है बिल्डर हो गया तू बहुत बड़ा है बे? तू बिल्डर हो गया? क्या कर रहा तू इनके साथ? छेड़ रहा भैया, ये हमारी फैमिली बहन को छेड़ रहा हूं मैं तेरे को। हां दे रहा है, कह रहा है। चुप चुप बोल रहा हूं ना, चुप हो जा। मैं तो पहले बता रहा हूं। हां क्या कर रहा तू इसके साथ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। छेड़ रहा कैसे करीम आया तू? बाप को पता तेरे? बाप को पता है ये सब हरकतें कर रहा? आपको पता है पैसे खा के बैठे हैं मेरे दो बहन भाई। बाप को यो भैया, ये बाप को यो पता कि तू इनके घर में आके कैसी हरकत कर रहा है? देंगे तो माँ बाप ना, इनके रिश्तेदार ना, तो इनकी कोई मदद करने वाला ना है भाई? तो ये मदद ही कर रहा हूँ इनकी, साले वर से अपने घर में रख। जान बुझ के ये मेरे भाई रखा ड्यूटी लगवा रहा है। भैया बोल रहा है कि आपने मेरी बहन को एक रात है भेज दे, मैं सारे रेंट माफ कर दूंगा। तू नौकरी लगवाएगा? तेरे बापू ने रखवा रखा, तू ने रखवा रखा है भाई? तू बता। तो मैं उनका बेटा हूँ तो मेरे भी कितने साल तेरे अंडर में है? दे दिया तेरे बापू ने है? तेरे बापू ने हाथ मत उठा, बता रहा हूँ बहुत महंगा पड़ेगा इसका अंजाम। क्या पड़ेगा अंजाम? क्या पड़ेगा? क्या पड़ेगा महंगा है बे? भैया प्लीज इसको छोड़ दो। इसको दूर रह ले, दूर दूर। हाँ लड़की से क्या कर क्या चाह रहा? यो यो अगर मैं सेम तेरे घर में घर वालों को पैसे दे के कहूँ ये काम करने को, फिर मेरा पैसा ले रखा है 1.5 साल से 80,000 रुपए बन रहे हैं। ठीक है, आपको बोल भी एक दे रहे हैं, हम दे देंगे। से बोल रहे ओ 80 है ना? हाँ तो दे बे। सुन रुक जा, सबर कर ले, ये पकड़ ला, चल निकलो यहाँ से। हो गया ये पकड़, ये भी पकड़। अब ये हो गया 80 दुनिया 160। हाँ तो ठीक है,
अब अपने घर में से किसी औरत को करवा बता, करवाएगा? देख पहले ना तमीज से बोल ले। तमीज हाथ मत, तू सिखा रहा है बे, तू सिखा रहा, ये किसी घर की बच्ची ना है बे, ये किसी घर की लड़की ना है, क्या करेगा है बे, ये किसी घर की लड़की ना, लड़की है नहीं है? हाँ तो देख उधर भाई, मैंने तो पैसा दे रखा है, निकलवाऊंगा। देख देख कैमरा लग रहा है, सारा का सारा सब रिकॉर्ड है। ये क्या ड्रामा मचा रखा है बे, क्या क्या ड्रामा, क्या ड्रामा? मार मत, मैं बता रहा हूँ, तेरे बाप की इज्जत है ना बहुत, है ना मार्केट में इज्जत? तो अब देख, मैं देखूंगा क्या इज्जत होगी। मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन, देख हाँ क्या, बैठ तो सही अब कैसे, अरे बैठो तो सही भाई, सुनो नहीं हाँ सुनो, बैठो ना भाई, बैठो एक बार, बैठो तो भाई, बैठ तू, अरे बैठो, बैठ तू, अरे तुम भी तो बैठो भाई, बता बैठोगे भाई, बात बता क्या, बैठो तो सही बता, तुम क्या इन बच्चों के पीछे क्यों ये सब कर रहे हो, बता, छोड़ो ना, दोनों भाई मिलके अय्याशी काटेंगे, साले देख रहा है वीडियो, सीधे तेरे माँ बाप के पास जाइए भाई, खत्म करो ना, मैं समझो ना यार, तुम समझ नहीं थे, घर में इज्जत है यार, मेरे को भी निकाल देंगे घर से ना, मेरे पास कुछ एक रुपया रहेगा, हाँ वही तो करवाना, तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी का ज्यादा घमंड है ना, वो निकलेगी तेरी प्रॉपर्टी, इसे पकड़ो बे, इसे पकड़ कर रखो, तुम क्या पकड़ कर रखो, इसे इधर को आओ, तुम बैठ भी बैठ, इसके बाप को दियो ये पैसे, समझ गई, रेंट के लिए, और वहां से छोड़ के हम करवाएंगे इंतजाम, इसके घर के आसपास भी नहीं रहना, और वापस से अगर परेशान करे तो हमें बता दियो, इसका इलाज और तगड़ा वाला बन देंगे। अभी तो ये वीडियो जाएगी, जितने लोग देख रहे हो वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट कर देना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दो, और अगर बात कर रही है तो ऑफिशियल रोबिन 01 इंस्टा आईडी है, वहां जाओ, वहां के बात करते हैं, ठीक है, ये पैसे इसके बाप को देने, इसके क्या हाथ में देना, लेके जाओ भाई इन्हें, चलो।